गीता जी ध्यान नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी अनुतमाम है, मेरी गति यानी ओम से मिलने वाली परम गति भी अनुतमाम गति घटिया है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु समाप्त होती नहीं और फिर अगला जन्म फिर त्यारे से ही ब्रह्मलोक में गए, फिर पुनरावृत्ति में, फिर जन्म मृत्यु में। और साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि मेरी भक्ति करने वाले को शांति नहीं हो सकती। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा अर्जुन तू मेरे मन वाला बन, मेरा भगत बन और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी। अब ये स्पष्ट हो गया कि मेरी शरण में रहना तो युद्ध तो करना पड़ेगा, यानी शांति नाम की चीज नहीं, युद्ध मर शांति, पल पल चिंता रहती है क्या हो जा के बिजली गिर जा। तो कहते युद्ध भी कर और भजन भी कर, ये तो यहाँ का नियम है। और इसलिए 18वें अध्याय के 62 श्लोक में कहा कि यदि तुम्हें परम शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी जब तक जन्म मृत्यु है तो ये यहाँ के क्रियाएं तुमने करनी पड़ेंगी, यहाँ शांति नाम की चीज नहीं। चाहे देवता बना है और चाहे इंद्र बना है देवताओं का राजा, उसको भी शांति नहीं श्लोक में। और आप इस पृथ्वी पर शांति ढूंढ रहे हो तो ये खुद कहता है मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध नहीं चाहता, अपनी पूर्ण मोक्ष चाहता है तो उस तत्वदर्शी संतों को खोज ले, मैं नहीं जानता उस मार्ग को। और जहाँ जाने के बाद 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की जिसका ने उसकी रचना की है और उसी की भक्ति कर, मैं उसी की शरण में हूँ और उसी की भक्ति कर। गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति को कति नाट रहे यहाँ पर मना कर रहा है। और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो परम अक्षर ब्रह्म, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी ने बताया है, और उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, सनातन शाश्वतम सुख वहां मिलेगा आपको, शाश्वतम स्थानम जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, फिर जन्म मृत्यु का रोग कति कट जाएगा, सदा के लिए नाश हो जाएगा, और तभी सुख होगा, तभी परम शांति होगी, यहाँ जन्म मृत्यु रहेगी, शांति नाम की चीज नहीं। तो इस जीवन में जो आपने जो आज 50-60 साल के हो गए उनको सब क्लियर हो लिया इस जीवन में के मिले आपने, और अगला जन्म भी हो गया तो ये प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा। मान ले कोई पुण्य है आपका मनुष्य जीवन मिल भी गया तो यह ब्रह्मवाटी फिर शुरू, तो यहाँ से बिल्कुल आपने पीछा छुटवाना पड़ेगा। तो उसकी विधि ये है, तो आखिरी सांस तक सभी परमात्मा भी अपनी वाणी में कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी काने। देखो गेम चाहे तो आप स्टेट लेवल पर खेल रहे हो बच्चे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या फिर नेशनल लेवल पर, या इंटरनेशनल लेवल पर, अब सबके नियम एक जैसे ही होते हैं। तो ब्रह्म तक की साधना करते हैं उसके लिए भी कहा है कि अंतिम सांस तक इस नाम का जाप करते हुए जाना पड़ेगा, और जहाँ आशा ता बासा होई मन कर्म वचन सुमरियो सोई। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि अर्जुन ये नियम है, अंत समय में जो जिसके भाव में भावित रहता है अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। यही परमात्मा सच्चिदानंद गणब्रह्म अपने सूक्ष्म वेद में बता रहे हैं, उस सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कि जहाँ आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई, जहाँ आस लगा ली तूने जिस इष्ट में उसी के पास तेरा वास होगा, और मन कर्म वचन से उसी की सिमरण करना सर्वभाव से तो उसी को प्राप्त होगे। अब आप जी इस ब्रह्मांड रूपी हॉस्पिटल में हैं और यहाँ से छुट्टी होगी तो आपकी उस समय जब आप फिर यहाँ से निकले जाओगे फिर दोबारा हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता नहीं,
तो तब तक आपने आखिरी सांस तक इस सत्संग को और इस नाम को यह ट्रीटमेंट गोलियां खाती रहनी पड़ेंगी जब तक आपकी छुट्टी नहीं होती। अब जो प्रसंग चल रहा था, अब उस बहन को कहते परम संत हो, उसे आपके दैनिक जीवन में हो रहे पाप कर्म वो साथ के साथ खत्म होंगे, वो आपका लगेंगे नहीं क्योंकि आपके ऊपर आपके पास लाइसेंस हो गया, इच्छा कर्म आ रहे नहीं, बिन इच्छा मर जा कह कबीरतास का पाप नहीं लगे। और संचित कर्म जो आपके रखे हैं उनके लिए भगवान कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसी चिंगारी अग्नि की और पड़े पुराने घास, पुराना घास सूखा लाखों अरबों टन पड़ा हो, एक सीख लगा दे माचिस की जला के सारे फूक कर राख बना देगी, चलेगी तेज हवा इधर उधर फूक फेंक फेंक के वो क्लियर हो जाएगा फील्ड। तो ऐसे आपके संचित कर्मों को जो वहाँ डिपॉजिट है धर्मराज के दरबार में परमात्मा आग लगा देगा, यदि आप नियमित रहोगे उनको आग लगाएगा जब तक अति आप आखिरी सांस तक जुड़े रहोगे। और आने वाले आपके जीवन के अंदर जो कष्ट इस प्रहर में आएंगे ये परमात्मा आपका साथ साथ साफ करेगा। जैसे परमात्मा हमारे पाप कर्मों का नाश करता है, किसके पाप कर्मों का नाश करेगा? जो अनन्य मन से सर्वभाव से केवल एक परमात्मा में आस्था रखेगा। अब यहाँ प्रसंग कई भक्तों के मन में ये आता है, जैसे एक 60-65 साल का व्यक्ति मुझसे कहने लगा यहाँ बीच में मिलते समय, कहने लगा मावी तू नाम लेके गया था राहत मिली ली। मैंने कहा तुम जो और पूजाएं करते हो उसको बंद कर दो। तो वो कहता है कि आप भी तो ये सभी नाम उन्हीं के देते हो, हमें कहते हो बंद कर दो, हम नहीं उठ करेंगे। मैं कहने लगा बात सुनो, अब जैसे आपने संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष का चित्र देखा, अब दास ये नहीं कहता कि उनको जैसे एक पति भर्ता स्त्री होती है, अब पति भर्ता स्त्री एक ज्वाइंट फैमिली में रह रही है जिसमें जेठ जेठानी सास ससुर देवर देवरानी और सभी हैं, वो आदर तो सबका करती है और करना चाहिए, लेकिन वो पूजा केवल अपने पति की ही करती है। तो ऐसे ये हमारा एक परिवार है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये दुर्गा, ये हमारे कोई दुश्मन नहीं, ये हमारा एक परिवार है। और हमारा पति कौन है? वो परमेश्वर कबीर देव जी है। तो हम जब तक इसमें सह परिवार में हैं तब तक हम सबके साथ बहुत तालमेल से रहेंगे। और जब हम जैसे वह पति व्रता लड़की जब उनका अलग होने का समय आता है तो फिर उस समय अपने सारे सामान दोष का बाटे माया सारा ठा लीजिएगी, किसी की लाज नहीं करे, एक चम्मच भी ना छोड़े, नहीं कहेगी ना यो मेरा हिस्सा है देवरे ने, और अपने मजाद रहेगी अपने पति के साथ चली जाएगी, कति उधर झाँखे भी को नहीं। तो जब तक हम यहाँ रह रहे हैं तो ये हमारा एक परिवार है, ये सह परिवार है, ब्रह्मा विष्णु महेश माता दुर्गा गणेश, ये कोई दुश्मन नहीं हमारे, नाम कहते हैं ऐसे। लेकिन पतिव्रता की अपने पति में आस्था उनमें कद्दे नहीं हो सकती और बुरे भी नहीं हो सकते हुए, क्योंकि फिर आपस में प्यार भी रखना है क्योंकि हमारा शिष्टाचार है, नहीं तो कड़ा का घर हो जाएगा वो, तो वो भी पतिव्रता नहीं होती जो घर में कड़ा मचवा दे। तो सबको सत्कार करे आदर करे यथोचित, लेकिन पूजा केवल अपने पति की करे, पति वाला अधिकार दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा ये एक परमात्मा कबीर देव हमारा इष्ट है, और ये जितने भी हैं ये हमारे परिवार के हैं सदस्य हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन पूजा के स्थान पर उनको नहीं रख सकते, अंडरस्टूड है ये। अब जैसे संसार रूपी उल्टा लटका वृक्ष आपको दिखाया, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, तना ये अक्षर पुरुष है और डार ये सरपुरुष है, और तीनों देवा शाखा हैं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और आगे पात रूप संसार भगवान की वाणी में, तो हम पात रूप में हैं। हम ये नहीं कह सकते इस भक्ति रूपी पौधे के तुम टहनी काट कर फेंक दो या डार काट कर फेंक दो या तने न फेंक दो, ये कोई मूर्ख है कहेगा, क्योंकि हमें लाभ तो टहनियों से मिलेगा शाखाओं से मिलेगा। हम जड़ की पूजा करेंगे, इस मूल की पूजा करेंगे पौधे की, आम क्या पौधा लाए जमीन में गाड़ा
और उसकी हमने पूजा शुरू करी, सेवा शुरू करी, सिंचाई शुरू की, तो धीरे धीरे बड़ा होगा। और ये तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी समझो शाखा हैं, तो इन शाखाएँ का टह नहीं आएगा तो फल लगेंगे, यही तो हमें लाभ देंगे। तो इसी प्रकार इनको काट कर फेंकने की नहीं कहते हम, लेकिन पूजा स्थल पर ये नहीं रख सकते। पूजा के स्थान पर तो मूल परमात्मा ही रखा जाएगा, यानी हमने इनकी पूजा नहीं करनी, लेकिन ये हमारे इस संसार रूपी वृक्ष के एक अभिन्न अंग है, इनको काट के नहीं फेंक सकते हम, तो इनकी पूजा नहीं करते हम। तो इसलिए जैसा भी आपको क्रिया बताया जाता है तो फोटो वहाँ नहीं रखने इनके, हमने जो पूजा दी है उस भक्ति उस मंत्र से जाप करो। इसका दूसरा उदाहरण ये समझो कि जैसे आपने किसी का कर्ज देना हो, को बैंक का लोन ले रखा है, तो आपने अपनी मजदूरी करनी है उनकी और वो उनका बिल भरना है, तो उससे आपका कितना लिंक है, क्या आपके दुश्मन है वो जिससे ऋण ले रखा है उसका देना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे आपका कनेक्शन कट गया बिजली का, पानी का, टेलीफोन का, और ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज हो गया, तो उसमें कोई आपका बीच बिचाड़ा करके ये करवा दे, भाई इसको किस्तों पर तुम्हारा ये दे देगा, इसका सारे कनेक्शन चालू कर दो। तो फिर वो मजदूरी करके उनको आपने याद तो रखना कि उसका इतना देना, उसका इतना देना, किस्त आएगी, लेकिन वो पूजा नहीं, वो कर्तव्य है आपका, उनसे ऋण मुक्त होना ही होना आपने होना चाहिए। अब जैसे कोई विदेश चला गया है स्वदेश आने के लिए, वहाँ उसने कुछ कारोबार किया, उसमें कनेक्शन लिया बिजली का, पानी का, टेलीफोन का सारा, और उसके व्यवसाय ठीक ना चलने से सब कनेक्शन कट गए। अब वापस आने के लिए उसने वहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज उसके ऊपर बैंक लोन भी है। तो वहाँ कोई व्यक्ति उसको सहयोग दे दे कि भाई तू ऐसे कर, मैं तेरा गारंटर बनता हूँ, और मेरा यहाँ इनको पता है मेरे पास संपत्ति खूब है, ये तुझे आगे कनेक्शन दे देंगे, इनकी किस्त भरते रहना। तो ऐसा करके हमारा दोबारा अपना कारोबार शुरू कर देता है कोई फैक्ट्री, और फिर उनकी किस्तों में दे देता है, तो फिर उनकी ऋण मुक्त हो करके वो वहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर उस देश से तब स्वदेश आ सकता है। तो इसलिए हम पहले सत साधना ना करके और हम भक्ति धनहीन हो गए, हमारे ऊपर ऋण हो गया इन ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और गणेश का, तो हमने अब इनकी ये जो पहले प्रथम मंत्र दिया जाता है आपका, इन्हीं की मजदूरी दी जाती है, ये इनके नाम नहीं है, इनकी पूजा नहीं है। और जो तीन नाम का जो मंत्र है वो पूजा नहीं, वो भी साधना ही है, लेकिन हम पूजा किसकी करें, उस परम अक्षर ब्रह्म की, क्योंकि हमने उसको पाना और वहाँ जाना है। जैसे आप जी ने आम खाना हो, आम तो आपका पूज्य है, उसके खाने के लिए क्या तरीका है, नहीं तो कोई बता दे मंडी में है तो मंडी मिल रहा क्यों करे, पहले मजदूरी करनी पड़ेगी, जेब में पैसे हैं 100 रुपये और तब वहाँ जाना। तो हमने जो पैसा कमा रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं, वो उद्देश्य वह मजदूरी नहीं, हमें आम इष्ट बना कर कर रहे हैं, तो उस मजदूरी से आम मिलेगा। तो ऐसे ये जो साधना है आपको दी जाती, इससे हम यहाँ से ऋण मुक्त हो गए, क्योंकि हमारे शरीर में कमल बने हुए, इन कमलों में ये भगवान विद्यमान है, ये प्रभु गणेश जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी। तो इनके जब हम यहाँ से चलेंगे संसार छोड़ के, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर ही हम त्रिकुटी पर जा सकते हैं, जो त्रिकुटी यहाँ पर है, यहाँ तो वैसे बताई जाती है, यहाँ से यहाँ पर है वो बैक में, तो वहाँ तब जा सकेंगे जब नीचे से हम क्लियर हो लेंगे। जैसे और पंथ वाले कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी पर जाएंगे, त्रिकुटी से भजन शुरू करते हैं, त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहाँ जाना कोई बड़का खेल है, पहले यहाँ से सारा अपना नोडू सर्टिफिकेट हो, सारा जो है फिर पासपोर्ट हो वो भी ओरिजिनल हो और जेब में किराया हो, तब एयरपोर्ट पर जाएंगे। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड थोड़ा है, कोई चला पैदल भी पहुँच जाए वहाँ पर, वहाँ जाने के लिए तो ये सब साधना करनी पड़ेंगी आपको, तब वहाँ जा सकते हो। ये नकली पंथी के हमारे तो हम तो नीचे की कोई लेना देना नहीं, ऊपर जाकर त्रिकुटी में जाते हैं, उनका ज्ञान देख लो किसी त्रिकुटी है उनकी। तो कहने का भाव ये है, फिर जब हम सत साधना एक रस होकर के करेंगे परम पिता की, फिर वो कहते हैं जब हम बिल्कुल पति भर्ता पद पर आ जाएंगे, ठीक है हमारे सब आदरणीय है लेकिन पूज्य एक रहेगा,
तब हम जब पति भर्ता पद पर आकर के साधना करेंगे तो परमात्मा के बारे में कहते हैं, पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। पति भर्ता एक परमात्मा की सत साधना करने यानी इष्ट रूप में उसको मानकर जो भक्ति कर रहा है साधक, वो पति भर्ता पद पर है। एक का साध्य सब सदा, सब साध्य सब जा, माली सीचे मूल को फले फुलागा। तो फिर उसके जीवन रूपी सफर में जितने भी पाप रूपी काटे हैं परमात्मा आगे से आगे बुहारता चलता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कोई काटा ना लग जाए, कोई पाप दुखी ना कर दे, इन एडवांस आपको साफ करता चलेगा। लेकिन इस अतिथि में आओगे जब बात बनेगी। अब जैसे वो बहन थी रामो, उसका पुत्र था, अब उसको जब पुत्र के साथ ये घटना घटी उसका विश्वास और दृढ़ हो गया, सेक्रीफाइस होगी कि मेरा तो एक जीवन का लक्ष्य था, ये बालक ये बिगड़ गया था, मालिक की दया से ये लाइन पा गया, अब और ज़्यादा श्रद्धा से सेवा करने लगी। सत्संग होता था तो वहाँ उसने सेवा ले ली कपड़े धोने की, साधु संत भक्तों की, गुरुदेव की सेवा की, और हाथ जोड़ के ले ली और वो ले जा कपड़े धो के ला, सत्संग होने लग गया। वो इस समय उसका कपड़े धोने का और सुखाने का, सर्दियों के दिन थोड़े थोड़े से, तो उसने गठड़ी बांध ली। उसने सोचा सत्संग और सुन लूँ, यहाँ बैठूँगी तो भगत कहेंगे बहन तू गई क्यों ना, फिर किस समय सूखेंगे। वो पहले लेकर चली गई वहाँ घाट पे, और भी कई कपड़े धो रही थी दरिया के पास में बहने, वहाँ जाकर बैठ गई। फिर सोची थोड़ी देर सत्संग सुनाऊँ कपड़े फिर धो लूँगी, वहाँ गठड़ी धर के कपड़े की जो मैले कपड़े थे, थोड़ी दूर पर आश्रम था वहाँ जाकर बाहर बैठ कर सुनती रही नहीं। अब सत्संग में इतनी मगन होगी उसके याद देना रहा, दो घंटे सत्संग चला, इतने वो चार पाँच बज गए शाम के। अब उसको देखा अरे मत कपड़े नहीं दो आज गुरु जी नाराज होंगे, या चिंता और ज़्यादा सतागी, बुरी तरह आँखें आंसू आ गए, कदे फिर मेरी सेवा ना छिन जा और फिर कहेंगे तूने तो आज गुरु जी क्या पहनेंगे हैं और काम बिगाड़ दिया, या चिंता में और ज़्यादा बुरा हाल हो गया उसका, हे भगवान या के बनी है। पर वहाँ पहुँची तो क्या देखा, सभी वस्त्र धोकर झाड़ियों पर सूख रहे हैं। तो उसने जाके पूछा और बहनों से, क्या ये कपड़े तुमने धो दिए मेरे, आपने धो दिए? अक नहीं हम क्यों धोते, हमारे तो अपने ना पूरे हो लिए, आप खुद धो रही थी अभी अभी धो के सुखा के, कि तेरा दिमाग खराब है क्या, क्यों हमारा दिमाग चट रही है, तू ही तो धो रही थी अभी। उसने फिर याद आया कि तो भगवान खुद परमात्मा आए थे और मेरा रूप बना के मेरा काम करके मैं मालिक के चरणा बैठी थी। तो पुणात्माओं, पति वर्ता जमी पर दो दो दर है पाओ, समृद्ध झाड़ू देत है ना काटा लग जाओ। बोलो सतगुरु जी। सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग उपलब्ध हुआ, प्राप्त हुआ, आप जी का बहुत सौभाग्य है कि आपकी रुचि परमात्मा के अंदर बनी, सत्संग सुनने की आपके अंदर एक प्रबल इच्छा हुई, जिस कारण से इतनी दूर आप इतनी सर्दी में भी पहुंच गए। परमात्मा कहते हैं नर संसारी लगन में कबीर परमेश्वर जी स्वयं आते हैं और हमें यहाँ बताते हैं कि तुम कहाँ रह रहे हो। आप जी जिस क्रिया को करते हो मनुष्य जीवन पा करके, यदि सत साधना नहीं कर रहे हो तो ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, फिर मनुष्य जीवन में रहने प्राणियों में अंतर क्या रहा। तो क्या बताते हैं कि तुम नर संसारी लगन में दुख सुख सह करोड़ और जो सतगुरु शरण में जितना सह उतना ही थोड़। तो क्या बताते हैं कि अपने संसारी लगन में संसारिक धंधों में ना जाने कितने कष्ट हम उठाते हैं, और यदि हम परमात्मा के लिए परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सत्संग में आने के लिए हमें जितने भी कष्ट
होते हैं वो समझो थोड़े ही हैं। तो आप जी इतनी दूर से चले, सफ़र में तकलीफ़ हुई और यहाँ पहुँचने के बाद तो परमात्मा की दया है, आपको कोई परेशानी परमात्मा नहीं होने देते। तो फिर आपके जो प्रबल संस्कार हैं, शुभ संस्कार, उन्होंने वो आपको यहाँ धकेल कर लाए हैं। कारण कुछ भी बनाया है, ये सब परमेश्वर की रजा होती है। नहीं तो घर के पड़ोस में भी कार्य हो रहा हो आसपास में, तो भी नहीं जा सकता प्राणी ऐसी सर्दी में। और आप कोई 1000 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर से चलकर यहाँ सत्संग सुनने आए हो। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो स्मारक में और दास स्मारक से बहुत परिचित हो चुका है इस परमेश्वर से। आपके ऊपर जो रजा है इस विश्व में नहीं है, क्योंकि आपको वो मार्ग मिल गया है जिसकी तलाश में ऋषियों ने सारा जीवन खो दिया और उनको भक्ति मार्ग मिला नहीं। हजारों वर्ष साधनाएं करते रहे, घोर तप किए, परमात्मा प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की, लेकिन यथार्थ मार्ग ना मिलने से वो कुमार्ग पर चलते रहे। परम संत उनको मिला नहीं, परमात्मा आए तो उन्होंने स्वीकार किया नहीं। ये दुर्भाग्य था उनका, और आपका सौभाग्य है कि आपका जन्म इस समय में है जबकि ये परमात्मा ने ये अनमोल ज्ञान का पिटारा खोल दिया। और अब आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ आपकी होंगी वो बहुत ही पुण्यकर्मी होंगे, उनको तो जन्म से ही भगवान की आरती मिलेगी, पैदा ही वो भगवान के गुणगान गाते गाते होंगे, उनके तो कोई शंका और संशय को रहेगा ही नहीं, उनकी किस्मत का तो अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। और आपकी किस्मत भी अनमोल है, अद्वितीय है, बहुत पुण्यभागी प्राणी हो तुम, ये सत्कर्म मान लेना। पहले तो परमात्मा चाहने वाले व्यक्तियों की बहुत अभाव है, क्योंकि कोई भी कहीं जाता है किसी मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारे में चर्च में या किसी संत के पास, तो वो सबसे पहले भगवान तो पीछे चाहता है, पहले अपनी आवश्यकता ही पूर्ति चाहता है। कोई धन की लालच में, कोई किसी और क्रियाओं के लिए जाता है, लेकिन यहाँ आने से आपको एक सतर ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। और फिर जो यहाँ आप साधना करते हो, इससे आपके संसारिक सुख तो होंगे ही होंगे, लेकिन मोक्ष भी प्राप्त होगा, आपको दोनों ही लाभ मिलेंगे। अपने आत्माओं, इतनी सर्दी में और बहुत अच्छी कभी गर्मी होती है कभी, या कोई ना कोई ना मौसम अपना जोर जमाई रहता है, तो वही प्राणी यहाँ आ सकता है जो इस मार्ग से परिचित हो गया, इस ज्ञान से परिचित हो गया कि ये काम तो करना ही पड़ेगा। जैसे किसान खेती बोते हैं और रात्रि के समय नहर, हमारे इधर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, कुछ राजस्थान का क्षेत्र है हरियाणा के लगता हुआ, इनके अंदर नहरों की सिंचाई बहुत होती है। और किसान कई ऐसे होते हैं जिनका रात्रि के समय नहर के पानी का, जल का उनका टर्न आता है, नंबर आता है। अब दिसंबर और जनवरी का ये मौसम हो, जैसे अब शीत लहर चल रही है और रात्रि के समय किसान का नहर के पानी का नंबर होता है, वो तो है ही, आज भी है, वो ऐसा आज भी कर रहे हैं। हम यहाँ भी ये चाहते हैं कि रजाई मिल जाए,
कमरा बंद करके सोचते हैं हीटर लगा लें, और ऐसे समय में किसान जाता खेत में और वहाँ नहर के पानी को लगाने के लिए, सिंचाई करने के लिए अपने खेत में, उसने दूसरे किसान से जल रोकना होता है और उस नाली के अंदर जो वाटर कोर्स होता है उसमें मिट्टी से बंद लगाना पड़ता है, तो उस समय वो अपना कंबल भी एक तरफ रख देता है, अपने कपड़ों को गोटों घुटनों से ऊपर तक करके पजामा या धोती को, और जल के अंदर प्रवेश कर जाता है। मिट्टी खोदते खोदते वो छीटम छीट हो जाता है, भीग भी जाता है, और ऊपर से शीत लहर चल रही होती है। वो परवाह नहीं करता कि तुझे निमोनिया हो जाएगा या तुझे कोई हानि हो जाएगी या रात्रि के समय कोई सर्प काट लेगा, नहीं, उसको अपना उद्देश्य दिखाई देता है कि यदि आज ये जल मैंने अपने फसल में नहीं दिया, नहीं डाला, सिंचाई नहीं की, तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, फसल नहीं होगी। तो उस कार्य, इसे कठिन काम को वही कर सकता जिसको पक्का दृढ़ विश्वास है कि ये काम नहीं करा तो नाश हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी कति, तो फिर वो प्रवाह नहीं करता। तो वही सती थी आप जी की है, आपको ये पता लग गया है कि यदि इस मनुष्य जीवन में ये कार्य नहीं किया तो बात बिगड़ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी, और फिर सारा जीवन कष्ट ही कष्ट रहेंगे। कुत्ता बन गया, गली में बैठ जाता है, ऐसा मौसम और गली में बैठा है, सारा दिन भूखा रहता है, कोई रोटी मिला कहीं टूक मिल गया तो मिल गया, नहीं तो भूखा पड़ा रहता है और ऐसे गिंडली मिंडली मार के चक्कर काट कर बैठ जाता है, और ऊपर से वर्षा होने लग जाती है। तो पुण्यात्माओं, इन कष्टों से आप परिचित हो चुके हो तभी आप इतनी दूर से और बगैर किसी के रोके, बगैर किसी बाधा के यहाँ पहुँच जाते हो, तो तभी ये काम पूरा होगा। कहते हैं सत्साधना किए बिना, परमात्मा की तरफ इतनी लगन लगे बिना बात बने नहीं। आप पर मेहर की, भगवान ने विशेष कृपा की है, सत्कर मान लेना, और ये अमृत ज्ञान सुनने को आपको मिल रहा है। इस ज्ञान की तो काल ने छींट भी नहीं आने दी थी बाहर किसी के पास, सबको उवाबाई का ज्ञान संग्रह करवा रखा है। परमेश्वर आए, कबीर भगवान जो हमारे पिता हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, क्योंकि हम सभी प्राणी जितने भी इस पृथ्वी ब्रह्मांड में हैं, काल के लोकों में हैं, हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, और हम अपनी गलती से यहाँ काल के जाल में फंस गए आके। बालक गलती कर देता है, माता पिता फिर भी उसके दुख में दुखी ही रहा करते हैं। आप यहाँ देखते हो कितना कष्ट है आपको, किसी का पुत्र मर गया, किसी का पुत्री मर गई, किसी का कोई हानि है, किसी को कैंसर है, किसी को दुर्घटना मारे गए, कहीं फ्लड आ गया तो हजारों व्यक्ति मारे जाते हैं, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो हम ऐसे बेरहम के यहाँ रह रहे हैं जिसका कोई दया नाम की चीज़ नहीं, कोई मरो कोई जियो, एकदम फ्लड आ जाए, एकदम भूकंप आ जाता, हजारों आदमी लाखों आदमी मारे जाते हैं। तो हम उस लोक में रहा करते थे जहाँ दुख नाम की चीज़ नहीं थी, हम अपनी गलती से नालायकी से हम यहाँ फंस गए। इस भगवान के जिसका दया नाम की चीज़ नहीं, जो खुद अपने आप को काल कहता है, मैं काल हूँ और सबको मारने के लिए आता हूँ। भगवान मारता है कभी? भगवान जीवन देता है, जीवन लेता नहीं। तो हम गलत स्थान पर फंस गए हैं, हमें पता नहीं था पहले, अब ज्ञान हो गया भगवान की रोशनी से, भगवान के तत्व ज्ञान की रोशनी से, और अब भी हम यहाँ से नहीं निकले तो फिर ना जाने कितने युगों के बाद, ना जाने कितने भटक लोगे, कहाँ कहाँ दुर्गतियाँ हो लेंगी। फिर कभी यह समय कलयुग का यही समय है जिसमें हम पार हो सकते हैं, और इसमें थोड़े ही प्रयत्न में पार होंगे। अपने जो भी जिसका कर्म है, क्रियाएं हैं, वो करते रहो, मर्यादा में रहो, भक्ति करो, आजीवन नाम जाप करते रहो, परमात्मा पर विश्वास दृढ़ बनाओ, क्योंकि हमारे पाप बहुत हैं। हम कलयुग में आगे हैं तो निरे पाप इकट्ठे कर रखे हमने आज तक, पुण्य शुभ कोई बना नहीं, बना तो अपना बर्बाद कर लिया, कहीं स्वर्ग में कितने और राजा छोटा मोटा पद पाकर। तो पुण्यात्मा, अब भगवान ने दया की है आपके ऊपर,
और इसको बहुत ही लगन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अंतिम श्वास तक ये साधना करनी है। क्योंकि हमें भ्रमित ज्ञान बहुत प्राप्त है, उस भ्रमित ज्ञान के आधार से हम यही सोचते रहते हैं ये कुछ दिखाई नहीं दिया, अंदर कुछ धुन सुनती थी सुनती हैं, ऐसा होता है, ये है एक ब्रह्मांड, इसने पिंड कहो शरीर कहो, और एक ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं ब्रह्मांड भी कहते हैं, और एक ब्रह्मांड का जो एक ब्रह्मांड में जो भी व्यवस्था है वो इस शरीर के अंदर, यह शरीर एक टेलीविज़न समझ लो, और इस टेलीविज़न के अंदर केवल इस ब्रह्मांड तक की जो भी है, यहाँ इस जो भी क्रियाएं हो रही हैं, कोई धुन बज रही है या कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई देता है शरीर के अंदर, जो आप साधना करके कुछ भी अंतर्गत हो करके अंतर ध्यान होकर इसमें अंतर की तरफ जा करके कहते हैं हम धुन सुनते हैं धुन सुनते हैं, ये तो काल की धुन है सारी, अंड और पिंड या ब्रह्मांड, पिंड शरीर को कहते हैं और ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं, क्योंकि वो इलिप्टिकल शेप का है, अंडाकार शेप है इस ब्रह्मांड का। तो इसके अंदर जो भी आप देखते या सुनते हो ये काल की व्यवस्था है। हमारा परमात्मा कहते हैं हमारा लोक अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है, इस पिंड और ये ब्रह्मांड को अंड कहो, इसके पार हमारा देश है, तो हमें वहाँ की जो धुन है इसमें नहीं सुनेगी वो, क्योंकि हमें इतना भ्रमित कर दिया है, हम ये उलझे रह जाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं आपको कुछ दिखता है, आपने कुछ दिखा है, इसमें दिखेगा तो भी काल का दिखेगा, उसको हमने देखना ही नहीं, हमें तो सतलोक जाना है, वो कैसे जाया जाएगा। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के है बनक पड़ेगी कान। इस स्थिति से हमने रहना, अंतिम सांस तक भक्ति करनी है। अब जितनी भी आप सत्साधना करोगे हमारे अंतःकरण में वो संग्रहित हो जाती है। कुछ भक्त प्रसन्न किया एक भक्त ने कि जी जैसे हम श्वास का सिमरन करते हैं और मृत्यु होने के बाद तो ये श्वास शरीर तो यहीं रह जाएगा, तो आगे सिमरन करते हुए कैसे जाएंगे। अपन आत्मा जैसे आप हवा भर रहे हो उसमें टायर में, हवा भर रहे हैं साइकिल के टायर में या मोटरसाइकिल के टायर में किसी प्रेशर से या अपने हाथ से, तो जब टायर में हवा भर जाएगी वो काम करने जोगा हो जाएगा, और फिर उसमें कितना लोड डाल के वो ठठा ले जाएगा 2 क्विंटल वजन को। तो हमने अपनी आत्मा को चार्ज करना है इस नाम से, भक्ति धन से, इसमें इतना संग्रह कर देंगे, ये शरीर तो एक ऊपर का कवर है लेकिन इसके बिना यू बने को नहीं, तो इसको तो हम छोड़ जाएंगे लेकिन वो भक्ति की जो शक्ति है वह इसको ऐसे ले जाएगी जो प्रेशर के साथ वो हमें पार करेगी, और वो आपको आपकी भक्ति के लक्षण जो हैं आपको अपनी आँखों के सामने दिखाई देने शुरू कर देंगे कुछ दिनों में। कई भक्त आते हैं जी हमें पता नहीं काली काली टिकारी दिखती है ऐसे, यहाँ से कोई यहाँ से इधर से कोई तार सा दिखे, कोई जाला सा दिखाई देता है, और पहले नहीं था, पहले तुम्हारे पास बीज ही नहीं था, अब बीज उग गया भक्ति का आपका, ये भक्ति की कमाई है। एक भक्त इतना डरा हुआ था, कहने लगा जी मैंने डॉक्टर से दिखाया, चेक कराया, उसने सारी चेक किया, डॉक्टर कहा भी तेरी आँख में कोई बीमारी नहीं, और कहे मुझे पता नहीं क्या ऐसे काले काले दिखने लगे, तब उसको बताया ये तेरी भक्ति का बीज उग गया, ये पौधा प्रारंभ हो गया भाई, ये तेरी भक्ति की कमाई का पैमाना है, और ये जितना तेरे अंतःकरण में जिस बीज मंत्र की जितनी कमाई होती जाए उसी के अलग अलग लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो पुण्यात्मा
अपना जैसे दास ने आपको बताया है ये मंत्र वो हैं जो महापुरुषों ने जपे जिनको परमात्मा मिला और जिस साधना से वो अपने सचखंड में चले गए सतलोक चले गए। बाकी जितने भी ये बातें बनाते हैं ऊटपटांग मंत्र देते हैं उनसे कोई लाभ प्राणी को नहीं होगा। अब परमेश्वर हमें आकर क्या याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुरे ना लगता डार, राम रटत कन्या भली साकेट भलो न पूते, जैसे छेरी के गल में गल थनाहा जिसमें दूध ना मूत, राम रटत कोढ़ी भलो चूचो पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम, राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर मैल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। कबीर जिव्या तो आए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम, दुख में सुमरण सब करे सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे कूँ होए, सुख में सुमरण किया नहीं दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की ही कौन सुने फरियाद। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान बताते हैं कि जो साधनाएं तुम कर रहे हो ये व्यर्थ है, ये साधना ठीक नहीं है। लेकिन हम इस काल के अज्ञान से इतने रंगे जा चुके होते हैं, हम परमात्मा के वचनों पर विश्वास नहीं करते और उस लोक वेद को हम अंतिम मान लेते हैं। तो यही कारण रहा कि हम यहाँ से नहीं जा सके। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष वो चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में आकर के वो लीला करते हैं और फिर एक जन साधारण की तरह एक जीवन जीते हैं, जिस समय में जैसी भी कोई क्रियाएं होती हैं वैसी वो अपने हाथ से सब कार्य करते हैं और हम एक उदाहरण देते हैं कि परमात्मा पाने के लिए बस इतना ही काफी, बाह्य आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं। जो सत भक्ति वो हमने मनुष्य जीवन से ही करनी है, इसमें हम कपड़े कैसे ही पहने, चाहे लाल पहने पीले पहने पैंट कमीज पहने धोती कुर्ता पहने और पहने अपना किसी प्रकार का भी ड्रेस जैसे जिसमें बैठने में सुविधा हो और अभद्र सी ना लगने वाली हो वो किसी प्रकार के भी धारण कर सकते हो। परमात्मा की भक्ति किसी कपड़े से माला से गले में डाल लेने से तिलक लगाने से ये ना तो सहयोगी हैं और ना ये बाधक हैं। लाल कपड़े पहनने से इतनी समस्या अवश्य आ जाती है उस प्राणी को, क्योंकि आम व्यक्ति गेरुए कपड़े पहने व्यक्ति को एक संत मान लेता है और फिर बार बार उसको प्रणाम करते हैं चरण छूते हैं तो उस व्यक्ति की भक्ति खत्म होनी शुरू हो जाती है और एक दिन फिर उसमें मान आ जाएगा। तो इसलिए हम उनसे तो प्रार्थना करते हैं कि आप ये बाह्य आडंबर ना करके एक भक्त बनो, यदि आपने भगवान चाहिए तो आपने सिंपल एक जन साधारण की तरह रहना होगा। तो उससे हम प्रार्थना करते हैं, बाकी कोई किसी तरह भी अपना जैसा उसका
वेशभूषा उसका क्षेत्रीय है, कर सकते हैं। बाकी हमने जो यहाँ के जो ड्रामे हैं ये नहीं करने। ब्याह शादी में नाचना गाना, उस ब्याह विवाह के समय पता नहीं कि शरद उठे है, सबके कपड़े नए नए हैं, फिर मेहंदी लावें कि तो दारू पीवें, डांस करें, क्या के ऊपर किस लिए? ये हमारी आत्मा से हट जाएगा एक दिन कि यहाँ तो हम ये गलत कर रहे हैं, इसे गंदे लोक में नाचें गाँव बकवाद करें। यहाँ तो टाइम पास करना चाहिए, जिसको ज्ञान हो गया। जैसे विवाह के समय बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन बाकी वाले कतई नहीं डरते, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। ज्ञान से डर लगता है, जैसे छोटा बालक होता है कोई, और वो कहीं पर सर्प भी हो ना, सर्प को भी पकड़ लेगा जाकर, और उसको डस जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि सर्प बहुत विषैला जानवर है और इससे निकट नहीं जाना चाहिए, इसके डसने से मर जाता है, तो उसके निकट नहीं जाता, फिर दूर से भाग जाता है, औरों को बताता है कि उधर सांप है, सर्प है, वो देखो सामने जा रहा है, उधर ना जाना। तो आप भी बचता है, औरों को भी जिंदगी को बचाता है। तो इसी प्रकार जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये नाचने गाने और विवाह के समय ये बेमतलब के खर्चे करने, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, और इसी कारण से हमने बेटियों को अपने ऊपर बोझ मान लिया। हम सबसे पहले भक्ति करने के लिए हमने जो ये बेमतलब के खर्चे सिर पर रख कर बोझ मर रहे हैं, ये हटाने पड़ेंगे। हमने भक्त बनना पड़ेगा, भक्तों में ये चोचले नहीं होते, आत्मा अपने आप इनको धिक्कार देगी, एक दिन ऐसा समय आएगा। अब एक समय देखा कि ब्याह हुआ, सामने तो नाच कूद रहे थे लड़के की, जो अगले दिन बारात जानी थी, और अगले दिन वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दुल्हा भी और साथ में सात और मर्गे, आठ मर्गे एक का एक्सीडेंट में, वो दुल्हा और बराती। अब पहले दिन तो नाच रहे थे, माच रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, हाहाकार मच गया। तो यहाँ संत बताते हैं कि नानक साहिब जी ने से किसी ने पूछा कि हे भगवान, आप कभी खुश दिखाई नहीं देते, आप तो ऐसे रहते हो जैसे आपका कुछ खोया हुआ है। तब उन्होंने बताया, भाई ना जाने काल की कर डारे, और किस विद ढड़ जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे, हमें तो अपनी मौत दिखाई दे कि ना जाने कब बिजली गिर जाइए। फिर उनसे पूछा कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो? वो कहते हैं, फिर बताते हैं कि साध मिलने साढ़ा साधी होंगी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। अब नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी, कबीर साहेब, हक्का कबीर, उनको सचखंड लेकर गए थे उनकी आत्मा को। सचखंड में जाकर के जब परमात्मा की वो झांकी देखी, नज़ारा देखा, और उससे पहले नानक साहिब जी ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे, ये हिंदू धर्म जन्मे थे, जिस कारण से ये श्री कृष्ण और भगवान विष्णु पर पूरे आश्रित थे, इन्हीं को प्रभु मानते थे। तब परमेश्वर इनको साथ लेकर गए, प्यारी आत्मा को सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति दिखाई, इससे पार अंड और पिंड के पार ले जा कर के सचखंड दिखाया, और वहाँ परमात्मा ने बताया कि मैं बनारस में रहता हूँ, काशी में धानक रूप, जुलाहा रूप में कार्य करता हूँ, और सतनाम से मोक्ष होगा भक्त, और वहाँ सतनाम मिलेगा, बनारस में आ जा काशी में। तीसरे दिन उनकी आत्मा को वापस भेजा, तीन दिन अदृश्य रखा उनको, और वहाँ नगर वालों ने, घर वालों ने सोच लिया कि नानक साहिब जी ने स्नान करने के लिए दरिया में डुबकी लगाई थी, और भी बहुत से भक्त वहाँ स्नान कर रहे थे, व्यक्ति स्नान कर रहे थे। जब बाहर नहीं आए तो परमात्मा ने उनको वहीं से अदृश्य कर दिया। बाहर नहीं आए तो वहाँ चिंता बन गई थी कि वो तो डूब गए, दरिया बहुत गहरी थी, और उनके जो बहनोई थे, नानक साहिब के जो बहनोई थे, जयराम नाम था उनका, उड़ का वहाँ नवाब के यहाँ बहुत अच्छा स्थान था, वहाँ एक अच्छी पोस्ट थी,
सुल्तानपुर के नवाब के, और नानक साहब जी उस नवाब के यहाँ नौकरी करते थे मोदी खाने में, माल खाने में। तो उनको पता चला तो उसकी खोज के लिए जाल डाले दूर तक, गोताखोर भेजे, वो कहीं नहीं मिले। सब ने सोच लिया था, मान लिया था कि दरिया में चले गए और उनका शव कहीं पर मिट्टी में दब गया। तीसरे दिन वापस आए, सबको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो परमात्मा को देखने के बाद वो वापस आए, पूछा उनसे तुम कहाँ गए थे? कि मैं सचखंड गया था। कौन लेकर गया तुम्हें? कि भगवान आए थे खुद, वो लेकर गए थे मुझे, अकाल पुरुष आए थे। उस दिन के बाद वो नौकरी भी छोड़ दी और पहले वाला ज्ञान भी त्याग दिया। फिर उन्होंने केवल गीता जी के 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए थे और उन पंडों से ये प्रश्न किया करते थे कि गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में ये गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति को अनुत्तम क्यों कहता, अपनी गति को बताओ इसका कारण। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में ये किसकी शरण में जाने को कहता अपने से अन्य की? तो वो सट्टे मारते थे, वो अपने बारे में कह रहे, अपने बारे में कह रहे, नहीं अपने बारे में तो ये 7 में जाए के 5 और 7 में कह रहे हैं और 8, 9, 10 में ये किसी अन्य परमेश्वर के बारे में कह रहा है। किसी को ज्ञान नहीं था। उसके बाद नानक साहिब जी के कुछ शिष्य हुए, उनको समझाने लगा। कुछ एक व्यक्तियों ने बहुत अच्छी तरह उनके ज्ञान को सुना, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्मे थे, उस समय बहुत अशिक्षित समय था, अशिक्षित जनता थी, और ये ब्राह्मण वर्ग जो विशेषकर जो गुरुपद पर थे, उन्होंने नानक साहिब जी के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप अफवाहें फैलवा दी कि तो हिंदू धर्म का विरोध करता है, ये बुराई करता है। खुद उनके पिताजी ने भी उनका बहुत विरोध किया था, लेकिन जिन्होंने आँखों देख लिया भगवान, वो किसी की सुना नहीं करते। उनके बहुत से शिष्य हो गए थे और वो भी फिर ये 2 सतनाम का जाप करते थे, जिसमें 2 अक्षर हैं जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, वो दास बताएगा। तो उनके शिष्य हो गए थे, वो आते रहते थे उनके पास, क्योंकि 10-12 वर्ष तो खुद उन्होंने देश विदेश में जाकर के प्रचार किया भगवान का। फिर परमेश्वर उन्हें मिले कि अब कोई नहीं सुनेगा आपकी, आप बैठ जाओ, भक्ति करो अपने घर पे रह के। तो नानक साहिब जी वापस अपने घर चले गए और 16 वर्ष तक अपने खेती करी, जैसा भी क्रिया वो करते थे खेती वाली, और वहाँ आने वाले भक्तों को भी एक दिन फिक्स कर रखा था, उस दिन सत्संग सुनाते थे, अपने ही यहाँ से भंडारा करते थे उन सबको। और फिर वो कहते हैं कि साध मिले साड़ी सादी होंदी और विछड़ जा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जो मेरे शिष्य भक्त ये साधु संत आत्मा जब यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ सत्संग होता है, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और जब ये यहाँ से बिछुड़ते हैं, जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने घरों में, तो मुझे चिंता लग जाती है कि कहीं कोई काल का दूत इन प्यारी आत्माओं को भ्रमित ना कर दे। और जब तुम ऐसे एज इट इज वापस आ जाते हो, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कोई कीड़ा लग गया नहीं, ये सब ठीक ठाक है। साध मिले साड़ी सादी होंदी, बिछड़ जा दिलगीरी वे, अकदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो पुणात्माओं, इस गंदे लोक में हम किस चीज़ के ऊपर खुशी मनावा? एक सेकंड का भरोसा नहीं कि बिजली गिर जाए यहाँ पर। और फिर हम इतना नशा कर रखा है इस काल ने हमारे ऊपर, बस की बात नहीं जीव के। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किसी ने समझाऊँ यो कुआ भांग पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऐसा ज्ञान ठोक दिया, एक एक को समझाने के लिए बहुत समय लग जाता है। एक पुस्तक दास ने बना कर समाज में वितरित करवाई है कि ताकि इनकी आंखें खुल जाएं भगवान के बच्चों की और पहचाने परमात्मा को। उसको भी पढ़ पढ़ कर कोई 1-6 महीने, कोई 1 साल लगा रहता है, और तब उसकी
अज्ञान के पर्दे हटते हैं, इतना अज्ञान भर दिया। कुछ पुण्यात्मा है वो तुरंत ही समझ जाती हैं, क्योंकि आज शिक्षित समाज है और दूसरे संतों के पास जो भ्रम भटक चुके हैं उनके ज्ञान से अपरिचित हैं, वो शीघ्र समझ रहे हैं और बहुत ही शीघ्र आ रहे हैं। तो जितना भी जो देर से यहाँ आएगा उतना ही पछताएगा, ये सत्कर्म मानना। एक दिन पूरे विश्व ने ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रमाणित ऑथेंटिक मार्ग है। हम एक परमात्मा की संतान है, पृथ्वी पर हम अलग नहीं है, कोई धर्म हमारा न्यारा नहीं है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। हम एक परमात्मा की संतान है, वो परमात्मा अब हमें मिल गया है, उसके पाने की विधि उन्हीं के बताई हुई, और जिन महापुरुषों ने उस विधि से अपना प्रैक्टिकल किया उनके भी वही वाणी वही ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। उन्होंने भी यही प्रमाण दिया है कि हमने ये मंत्र जाप किए हमारा मोक्ष हुआ, तो आज वही आपको प्राप्त है। बाकी जिस भी पंथ में आप जाते हो साधना अलग अलग, नाम न्यारे न्यारे, कमाल की बात है। आम बीजना है तो आम का बीज एक ही होगा। कोई ये कह दे कोई संत कैसा ही नाम दे दो उसी से पार हो जाएगा, नहीं, आम का बीज एक ही जैसा है। अगर वो ऐसा है आपने बीज रखा तो आम है, और वो बीज नहीं बीज रखा तो आम नहीं है। तो परमात्मा पूर्ण मोक्ष कराने के लिए जो हमने साधनाएं करनी है वो एक ही है, दूसरी है ही नहीं। अब हमने इस मानव शरीर में परमात्मा मिलेगा, और इसमें हम कहाँ हैं, इसमें से हमने बाहर निकलना, इस चक्र व्यूह से हमारे कमल बने हैं, इस रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है इसके अंदर की साइड में, रीढ़ की हड्डी नीचे जाकर गुदा के पास खत्म हो जाती है, उससे दो उंगल ऊपर अंदर की साइड में एक चक्र है, अतड़ियों का बना हुआ है, और उसमें गणेश जी का जो है आधिपत्य है, वो गणेश जी का कमल कहलाता है। और उसके बाद उससे दो उंगल ऊपर ब्रह्मा और सावित्री का एक कमल है, चक्र है, जैसे टेलीविजन में चैनल होते हैं, उससे आगे नाभि के पीछे, ये नाभि जो आपको दिखाई देती है इसके बैक साइड में और बैकबोन के अंदर साइड में, रीढ़ की हड्डी के अंदर ली साइड, यहाँ एक चक्र है जिसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का अधिकार है। उसके मतलब ये समझो कि जैसे वो चैनल है उनका, कि भगवान विष्णु जी के लोक में क्या क्रियाएं हो रही हैं, कैसा वहाँ पर चल रहा है, तो आप उस टेलीविजन के चैनल की तरह उसको ऑन करके यहाँ देख सकते हो। और फिर हृदय कमल दोनों सतनों के बीच में, यहाँ इस स्थान पर बैक बाउन के अंदर की साइड में, यहाँ शिव और पार्वती जी का एक चैनल है, चक्र है, और यहाँ कंठ कमल में है, ये जो स्थान है इसके बैक में जहाँ रीढ़ की हड्डी थोड़ी बैंड होती है, इससे पहले थोड़ा सा यहाँ दुर्गा का चैनल है, और फिर ऊपर आते हम त्रिकुटी में, यहाँ एक कॉमन प्लेटफार्म है, यहाँ पर जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझो, इस पे पूर्ण परमात्मा का भी वहाँ एक अलग से राजदूत की तरह एक अलग स्थान है, और फिर उससे नारा वहाँ पर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, और एक रास्ता जो है वो काल ब्रह्म की तरफ जाता है, जिसका सेंसरार कमल है, जैसे चोटी जो रखते थे ना हिंदू लोग, ये चोटी का उद्देश्य ये होता था कि यहाँ वो इस ज्योत निरंजन सर्व पुरुष का कमल है, वो टेलीविजन की तरह चैनल है। तो हमने यहाँ से जब जाना है, इन सभी भगवानों से जो है इनका, इनसे हमने सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि तुम जा सकते हो। पहले हमारा मूल कमल जो है वो सबसे पहले वहाँ पहुँचेंगे। तो गणेश जी का जो हम भक्ति आपको दी है, इनका साधना दी है, एक मजदूरी दी है आपको, अब ये समझ लो कि उस साधना से आपके ऊपर जो भी न जाने कितने जन्म जन्मांतराओं के आपके यहाँ वो पाप संग्रहित हैं और हमारे ऊपर ऋण है इन महापुरुषों का, तो वहाँ आप
का जो चैनल है वो जब आप यहाँ से चलोगे तो आपको वो बाधा नहीं मिलेगी, वहाँ से परमात्मा जाएंगे, इस दास के रूप में आपके साथ होंगे, आपका अकाउंट सारा करवा के और पहले से आपका रास्ता मार्ग क्लियर कराए पाओगे। और चलो आगे को, आपको फिर त्रिकुटी तक कोई बाधा नहीं होगी। त्रिकुटी में आप तभी आ सकते हो जब आप नीचे के सभी अकाउंट क्लियर करके आओगे, नहीं त्रिकुटी में नहीं जा सकते, बेसिक बात बनाओ। तो कहने का भाव ये है कि हमने जब परमात्मा पाना है तो यहाँ ऐसे ये क्रिया करनी है। तो ये मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, इन मंत्रों का जाप करके आपने ऋण मुक्त होना है, बस इतनी सी बात समझ लो। फिर त्रिकुटी पर पहुँचेंगे, वहाँ परमेश्वर मिलेंगे आपको इस दास के रूप में, और वहाँ आपको आप जैसे गुरुजी को देखकर एक भावना बनी हुई है और ऐसी अंतिम सांस तक दृढ़ हो, घटे नहीं, गुरुजी दिखें, एक कसक न्यारी हो, दर्शन करूं, कहाँ से खड़े हैं, क्या कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ऐसी आपकी तरफ वहाँ बनी रहेगी। क्योंकि यहाँ की रिहर्सल करवाई जा रही है कि जैसा आपका भाव इस दास के प्रति यहाँ बनेगा, ऐसा ही आपका फिर मृत्यु के उपरांत वैसा ही भाव में भावित रहोगे। तो वहाँ जाओगे, गुरुजी दिखेंगे, परमात्मा दिखाई देंगे इस दास के रूप में आपको, तो आप देखते ही वहाँ दौड़े जाओगे, गुरुजी वो खड़े, सब वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे जो उस दिन गए होंगे यहाँ से, चाहे 10 हों 20 हों 50 हों, तो वहाँ खड़े होंगे। तो वहाँ जाओगे, प्रणाम करोगे, बैठ जाओगे, फिर परमात्मा आपको लेकर जाएगा इस धर्मराज के दरबार में कि हमारा अकाउंट क्लियर करें इनका सबका। तो वो जो सतनाम का जो जाप है आपका, आपको 7 नाम तो पहले दिए जाते हैं, 5 नाम तो ये इन यहाँ के भगवानों से हमने अपना ऋण मुक्त होना है, इनकी कमाई करके इनका कर्जे से मुक्त होना है, या कमाई इनको दे देंगे हम, ये हमें छोड़ देंगे। और जो 2 मंत्र हैं इसमें फर्स्ट एंड लास्ट 7 मंत्रों में, ये परमात्मा की भक्ति पैरेलल करवाई जा रही है आपकी। ऐसा हो जाता है कई बार, क्योंकि ये साधना कर प्रथम मंत्र मिला है और किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उस प्राणी का मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाता है उसको, तुरंत 1 साल के अंदर अंदर मनुष्य जीवन पाओगा वो, ये गारंटीड बात है। अगर इस नाम को लेकर भी और नाम लेने के घंटे बाद भी डेथ हो जाती है तो भी मनुष्य जीवन मिलेगा, इतना ज़बरदस्त मंत्र है भगवान का प्रथम मंत्र। फिर जो 2 मंत्र का जाप है, सतनाम जो है, इसमें एक ओम मंत्र है। कई भक्त भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं जी ये मंत्र तो उन 5 नामों में भी है, और फिर दूसरे का पता चलता तब भी कहते हैं ये उनमें भी है। पुण्यात्माओं, एक जड़ी होती है, उस जड़ी को 5-7 जड़ियों में मिला दिया जाए तो उसका गुण अलग होता है, और उनका 2 अलग से और उसकी विधि खाने की अलग हो, बनाने की, तो उसका गुण अलग होता है, वो अलग अफेक्ट करती है। तो ये मंत्र है, इनको ऐसे यूज करेंगे तो ये लाभ देंगे, और ऐसे उनका प्रयोग करेंगे तो वो ये लाभ देगा, इतना समझना, भ्रमित ना होना, क्योंकि ज्ञान हमारे को था नहीं। अब ये ज्ञान मिला है तो अब हम वकील बन जाते हैं, अब यहाँ वकालत नहीं चलेगी आपकी, आपका समर्पण चलेगा।